हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे ये श्लोक जो है 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। अगर कोई इतना ही समझ जाए तो उसको कभी भी जीवन में कोई भी दुख नहीं होगा। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में गाते हैं, जीव कृष्णेर दास ए विश्वास कर ले तो आरो दुख नाय। जीव कृष्णेर दास ए विश्वास कर ले तो आरो दुख नाय। जीव कृष्ण का दास है, ये अगर विश्वास कर ले तो हमारे जीवन में एक्चुअली कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि हम फिर भगवान श्री कृष्ण के इच्छा से अपना जीवन जीते हैं, उनके प्रति शरणागत होते हैं, और शरणागत होने के कारण हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। कोई भी जन्म ले, भले ही कितना अमीर हो, कितना ही पैसा कमाए, कितना ही बड़ा पोस्ट और पोजिशन हो, दुख तो है ही। कोई ऐसा नहीं कहता है, कह सकता कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। बाहर से कोई दुख नहीं दे रहा है तो अंदर से दुख पहुंचेगा उसको। मन का दुख भी दुख होता है, मन में बहुत सारी एंजाइटी टेंशन ये उत्पन्न होगा। शरीर का दुख मिलेगा, जैसे कि शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है, तो इस तरह से दुख मिलता है। तो भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं इस श्लोक में कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। जीव, ये जी जो जीव है वो ममैवांशो मेरा अंश है, और क्योंकि हम भगवान का अंश है, ना कोई मनुष्य का अंश है, ना कोई देवी देवता का अंश है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, केवल भगवान श्री कृष्ण का ही पूजा करना चाहिए। तो हम जिसके अंश हैं उनकी हम पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हाथ है हमारा, हाथ शरीर के अंश है, तो ये हाथ हमारे शरीर को खिलाएगा, ये सारे शरीर को खिलाएगा, पर हमारे शरीर को नहीं खिलाएगा, ये नहीं चलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमें भगवान कृष्ण के हम अंश हैं तो उनकी सेवा करना चाहिए, लेकिन बद्ध जीवन है हमारा, क्योंकि हम एक स्थूल शरीर में बंदी है। हम आत्मा हैं, आत्मा का अपना आध्यात्मिक शरीर होता है, पर हम स्थूल शरीर में बंद हैं, तो इसलिए हम ये छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। छह इंद्रिया क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा यानी स्किन, त्वचा मीन स्किन, और मन। तो आप देखिए, आप जब हरि नाम जप करने के लिए भी बैठते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मन इधर उधर जाएगा। जैसे आप मान लीजिए आपके बालकनी में तुलसी है, और तुलसी के सामने हरि नाम जप करना बहुत अच्छा है, तो जब कर रहे हैं तो इतने में बालकनी के बाहर कोई आपके पहचान वाले दिख रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो आपका मन, आपका आंखें वहाँ ले जाएगा, मन वहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से घोर संघर्ष चलता रहता है। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में जीव का स्वरूप जो है एकदम स्पष्ट है, कि हम जीव हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर बदलते रहते हैं, और हमारा स्वरूप क्या है ये एकदम स्पष्ट है। भगवान कृष्ण के सनातन रूप से जीव जो है सूक्ष्म अंश है। सूक्ष्म इसलिए क्योंकि भगवान बहुत विशाल है, और हम उनके भिन्नांश हैं, सूक्ष्म अंश हैं। ऐसा नहीं कि बद्ध जीवन में वो एक वैष्टित्व धारण करता है, और मुक्त अवस्था में परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाता है, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसा नहीं है, हमारा आइडेंटिटी अब भी है, और जब हम मुक्त हो जाएंगे तब भी रहेगा। मुक्त होने पर हम भगवत धाम जाते हैं। ये भौतिक संसार जो हम देख रहे हैं, इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा जो है भगवान के वैकुंठ जगत है। और ये तो अभी हम सिर्फ पृथ्वी को देख रहे हैं, ये छोटा ब्रह्मांड है सबसे, इसलिए ब्रह्मा का सिर्फ 4 मुंह है। ऐसे अनेकानेक ब्रह्मांड है जिसमें हजारों लाखों मुंह वाला ब्रह्मा भी है।
तो जितना बड़ा ब्रह्मांड उसको चलाने के लिए उतना ही ब्रेन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उतना ही सर है। तो हम सनातन रूप से भगवान का अंश है और सनातन है, हमारी कभी भी मृत्यु नहीं होती है। और वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं। जब भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं तो उसको विष्णु तत्व कहा जाता है, और वो भगवान कृष्णा और विष्णु में राम में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम जीव जो है हमारा भी विस्तार भगवान से हुआ है, लेकिन इसको गौण विस्तार कहा जाता है। तो जो हम विभिन्नांश हैं यानी जीवात्मा, भगवान के सनातन सेवक होते हैं। ऐसे ही भौतिक संसार में भी हम किसी ना किसी की सेवा करते रहते हैं। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, ग्राहकों की सेवा करनी होगी। अगर आप नेता हैं तो प्रजा की सेवा करनी होगी। तो किसी ना किसी की आपको सेवा करनी होती है। तो इसलिए आत्मा का क्योंकि स्वभाव है सेवा करना, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए, तब हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो बद्ध अवस्था में क्या होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में आकर हम हमारे जो दिव्य रूप है, आध्यात्मिक रूप है और भगवान के हम अंश है, वो भूल जाते हैं, और कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेमा भक्ति होना चाहिए वो भी भूल जाते हैं। क्योंकि अभी हम भगवान को भूल जाते हैं बद्ध जीवन में, तो हमें इस जगत में भी अपना पेट पालने के लिए, भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए घोर संघर्ष करना पड़ता है। ना केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु तो इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता जो है, जैसे ब्रह्मा जी है, शिव जी है, भगवान विष्णु जो पालन करते हैं, वो भी कृष्ण के ही अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियाँ हैं। ऐसे नहीं कि अभी है तो कल नहीं, से आज कोई राजा बने तो फिर वो राजा से शरीर छोड़ के अगला जन्म भी राजा बनेगा जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान का जो पोजिशन है वो हमेशा जो है बना रहता है, और आत्मा का भी पोजीशन हमेशा बना रहता है, शरीर का बदलता रहता है। तो बद्ध जीव को जैसे किसी को आप लोहे की जंजीर में बांध दे, वो असहाय हो जाएगा। तो इस तरह से बद्ध जीव अपने ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब भावनाओं से बंधे हुए हैं। इसलिए इस भावना को शुद्ध करना है तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। और अगर हम जब नियम पूर्वक, ध्यान पूर्वक जप करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि काफ़ी चेंजेस हुआ है हमारी भावनाओं पर। और अगर हम इस भावनाओं को नहीं बदलते हैं, मान लीजिए नहीं बदलते हैं, सत्वगुण में रहना पसंद करते, तो सत्वगुणी व्यक्ति को देवता का शरीर मिलता है। अगर रजोगुण में रहना पसंद करते हैं तो फिर से उनको मनुष्य शरीर मिलेगा। तमोगुणी व्यक्ति को पशु पक्षी का शरीर मिलता है। इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन और इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है, और जब ये मुक्त हो जाता है तो भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर हमेशा रहता है। माध्यान्दिनायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, सवा एष ब्रह्मनिष्ठा इदम शरीरम मर्त्यमतिसृज्य ब्रह्माभिसंपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणैव वेदम सर्वमनुभवति। यहाँ ये बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक शरीर में अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है, भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर जो उनका हमेशा के लिए जो एक परमानेंट शरीर है, भगवान की सेवा के लिए जो बना है, वो मिल जाता है। तो इसी को आत्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि बताया गया है। या उनसे आमने सामने बोल सकता है, सुन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई निराकार ब्रह्म ज्योति में मिलना होगा। कृष्ण स्वयं जो है भक्त से आदान प्रदान करते हैं प्रेम का। स्मृति भी यह ज्ञात होता है स्मृति से कि बसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं, और शारीरिक बनावट भी एकदम सुंदर है। जैसे वैकुंठ है, वैकुंठ में सारा जो है विष्णु रूप है, श्रीवत्स से चिन्ह अलग है। तो ममेवांक्ष शब्द भी बहुत सार्थक है यहाँ, जिसका अर्थ है कि भगवान के ही हम अंश हैं। और भगवान का अंश ऐसा नहीं कि टूटा हुआ कोई, जैसे भगवान थे
टुकड़ा 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 हो गया, भगवान नहीं है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान शून्य है, क्योंकि हमने उनसे जो है बहुत पदार्थ की तरह हो गया, अब भगवान है नहीं। ऐसा नहीं है, भगवान अपने से करोड़ों लाखों हजारों हजार हजार करोड़ों भी विस्तार कर सकते हैं, और फिर भी कृष्णा के शरीर में कोई भी ये नहीं कि अंश चला गया तो कुछ हो गया, ऐसा ही रहता है जैसा है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है जैसे द्वारका तीर्थ श्री कृष्ण 16108 रूपों में 16108 रानियों के साथ निवास करते हैं, तो ये पदार्थ की भांति नहीं है, इसलिए सनातन शब्द का यहाँ पे उपयोग हुआ है। और जब हम वैकुंठ जगत जाते हैं तो इन सब बातों को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमें 24 घंटा हम कृष्ण कॉन्शियस रहे, कृष्ण भावना में रहें, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और जब तक हम पूरी तरह भगवान भावना भावित नहीं होंगे, कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, तब तक भगवत धाम जाने की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।